गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द हिंदी ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 7th। सुप्रभात बच्चों, हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है। चिल्ड्रंस, अब तक हमने बंदर का धंधा और पृथ्वी से अग्नि तक इनकी डिवीजन की है। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम बढ़ेंगे अगले पार्ट की तरफ। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक निकालिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ क्रमांक 7, जहाँ चाह वहाँ रहा के रिवीजन के लिए। पृष्ठ क्रमांक 18, पेज नंबर 18। पढ़ो और समझो पाठ क्रमांक 7, जहाँ चाह वहाँ रहा। लेखिका अनुराधा मोहिनी। सबसे पहले इस पाठ के लेखिका का परिचय कर लेते हैं। छात्रों, लेखिका अनुराधा जी का जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। बच्चों, हमने अध्ययन किया है कि अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अनुवाद विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। बच्चों, इस पाठ की कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। जहाँ चाह वहाँ रहा लेखिका श्रीमती अनुराधा जी की एक प्रेरक कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने एकता, संगठन एवं श्रमदान का महत्व समझाया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। छात्रों, हमने इस पाठ का अध्ययन किया है। आप सभी को पता है कि यसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी, धुआंधार अर्थात प्रचंड, और इसी प्रचंड बरसात वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। अर्थात बच्चों, जो असेंबली प्रेयर होती है वह ग्राउंड में न होकर क्लासरूम में हुई। अब उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है, तो इसलिए गुरुजी पूछते हैं कि आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है, इतने कम विद्यार्थी क्यों है, अनुपस्थिति यानी एब्सेंट ज़्यादा है। तब एक साथ एक स्वर में विद्यार्थी उत्तर देते हैं कि वही नाला गुरुजी। तो बच्चों, यसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। अब नाले के एक तरफ गांव की बस्ती थी तो दूसरी तरफ पाठशाला और खेत थे। बच्चों, बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। अब जो बड़े बुजुर्ग थे वह किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते थे। परंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांगना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। लांगना यानी पार करना। देखिए बच्चों, नाले में 4-5 फीट तक पानी भर जाता था, बड़े बुजुर्ग उसे पार कर सकते थे, लेकिन विद्यार्थी जो छोटे थे उन्हें नाला लांगना, पार करना संभव नहीं था, यानी उनके बस की बात नहीं थी। और जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अर्थात बच्चों, जोर से बारिश होती तो नाले में 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था, उस वजह से विद्यार्थी नाला पार नहीं कर सकते थे और उसी कारण कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता, यानी वह स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकते थे। अनेक बार यानी कई बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यसंबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था।
अब बच्चों पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्क असंभव था। छात्रों अनुपस्थिति के वजह से पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता, क्योंकि स्कूल में उपस्थित न रहने के कारण उनकी बहुत ज़्यादा पढ़ाई छूट जाती थी, तो उस वजह से उन्हें परीक्षा में कम मार्क्स आते। सभी परेशान थे, पर मार्क जो था वह असंभव था, यानी बहुत ही मुश्किल था। आगे पाठ में कुछ इस प्रकार लिखा है बच्चों कि असंभव में मूल शब्द संभव होता है। ध्यान से सुनिए छात्रों, संभव इस शब्द को हम अ उपसर्ग लगाएंगे तो असंभव शब्द बनता है। तो मूल शब्द कौन सा हुआ बच्चों? जी हाँ, संभव। और यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई, एकाएक यानी अचानक। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। अधिकांश यानी बहुत ज़्यादा विद्यार्थी पाठशाला में नहीं गए थे। तो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। यानि बच्चों भारी वर्षा के कारण जो बच्चे पाठशाला नहीं जा पाए थे वे आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तब उनमें से तुषार कहता है कि अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है, क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। बच्चों बकवास इस शब्द का अर्थ है व्यर्थ की बातें, और मनगढ़ंत यानि मन में सोच विचार की जाने वाली बातें। और वह कहती है कि आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी, यानि एब्सेंट मार्क लग गया। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तब शुभम कहता है कि मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। इस बात पर सब हंस पड़ते हैं। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। तब तुषार ने कहा, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तब हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है, आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। अर्थात बच्चों जो गीत गाया जा रहा था, हम बच्चे कर भी क्या सकते, उस पर आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ दामिनी कहती है कि हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। हर समस्या का निदान संभव है, यानी हर समस्या के ऊपर समाधान है, इलाज है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। अर्थात बच्चों हमारे पास बुद्धि है, उस बुद्धि का उपयोग करके हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। दामिनी कहती है कि मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो छात्रों दामिनी के बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया, माहौल यानी वातावरण बदल दिया।
वहाँ पर बैठे बच्चे जो हंस रहे थे, जोर जोर से हंसकर एक साथ तालियां बजाकर गीत गा रहे थे, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। वहाँ पर हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। तब बच्चों हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। बच्चों क्या हल था वह, समस्या का उपाय क्या था बच्चों? हम सभी को पता है क्योंकि हमने इस पाठ का अध्ययन किया है। आशीष कहता है कि हम नाले पर पुल बनाएंगे, तो सभी मित्र आश्चर्य में बोल पड़ते हैं पुल। तो मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भाप कर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उन्हें उत्तर दिया कि हाँ पुल। वह कहता है कि विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है, जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतरजाल अर्थात इंटरनेट से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। तो आगे क्या होता है बच्चों? जी हाँ, पुल बनाने का जो विचार था वह जंगल की आग की तरह यसंबा गांव में फैल गया। छात्रों, जंगल की आग की तरह फैलना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है तेजी से फैलना। यानी चिल्ड्रंस पुल बनाने का जो बच्चों का विचार था वह पूरे गांव में फैल गया और गांव के हर एक व्यक्ति ने इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा की। हौसला इस शब्द का अर्थ है हिम्मत। तो आगे हम जानते ही हैं पुल बनाने के लिए क्या क्या योजना की गई। चलो एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों। अगले परिच्छेद से हमें पता चलता है कि विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकाइयों पर काम करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स, पुल बनाना यह विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा प्रकल्प था, प्रोजेक्ट था। इसलिए उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे समूह बनाए अर्थात ग्रुप बनाए और प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना उन्होंने शुरुआत कर दिया था। सबसे पहले तो उन्होंने सामग्री की सूची बनाई अर्थात क्या क्या सामान साहित्य लगने वाला है उसकी यादी बनाई, सूची बनाई यानी एक लिस्ट बनाई। उसके बाद सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया, यानी पैसे इकट्ठे करने के लिए शुरुआत की। अब तक उस योजना में, प्रकल्प में पाठशाला के शिक्षक, गांव के लोग सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी, यानी जो भी सामान था, साहित्य था, उसे खरीदने के लिए आवश्यक पैसा उनके पास जमा हो गया था। अब बच्चों, बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। अर्थात बच्चों, जब साथ में संगठित ग्रुप में जो प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, उस काम का आकार लेने लगा था, यानी काम सफल होने लगा था। पुल बनाने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वह इकट्ठा की गई थी। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंट आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई, बंजर यानि जो उपजाऊ न हो। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी, प्रचुर यानि अधिक मात्रा में। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। अब धीरे धीरे हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर
एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। यानी बच्चों, जो उन्होंने प्रकल्प की शुरुआत की थी, धीरे धीरे उसका काम पूरा होने जा रहा था। गांव वालों का जो स्वप्न था पुल बनाने का, उस स्वप्न पूर्ति की तरफ गांव वाले एक एक कदम आगे बढ़ाने लग गए थे। अंततः यानी आखिरकार आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाइयां दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। अर्थात बच्चों, पुल बनाने के प्रकल्प को जो उन्होंने शुरुआत की थी, पुल का काम 15 दिन में ही कंप्लीट हो चुका था। कैसे बच्चों? तो गांव वाले और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान, यानी विद्यार्थियों के सभी साथ में काम करने की वजह से वह पुल जो है वह 15 दिन में ही तैयार हो चुका था। अब पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। अद्भुत यानि अनोखा। और इस वजह से ही सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। अब इस बार भी बरसात में नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। राह अर्थात मार्ग। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को ताद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, चाह चाह वहाँ राह। दाद देना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है प्रशंसा करना। और बच्चों, जाह चाह वहाँ राह यह एक कहावत है। इस कहावत का अर्थ है इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। अब जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। बच्चों, पुल तैयार होने के बाद उसका उद्घाटन भी हुआ। उसका जो भी वृत्तांत है वह लिखने के लिए जुई के बड़े भाई ने सहायता की और संगणक यानि कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। निरीक्षक यानि वह अधिकारी जो किसी काम की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया हो, जिसे हम इंस्पेक्टर कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ की कहानी के द्वारा हमें यही संदेश मिलता है कि सचमुच कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इस पाठ के द्वारा हमें लेखिका ने एकता, संगठन एवं श्रमदान का महत्व समझाया है। सो चिल्ड्रंस, आप सभी को यह पाठ दो बार रीड करना है, यानि पढ़ना है। और जो भी मैं रिवीजन के क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, उसे हिंदी की नोटबुक में या फिर एक फुल स्क्रिप्ट के ऊपर गुड राइटिंग में वन टाइम लिखना है और उन प्रश्न उत्तर को याद भी करना है। यह होमवर्क कंपलसरी सभी विद्यार्थियों को कंप्लीट करना है। कंप्लीट होने के बाद, नोटबुक में लिखने के बाद, उसका इमेज पिक मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है। नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में हम कविता क्रमांक 8 जीवन नहीं मरा करता है, इसका रिवीजन करने वाले हैं। थैंक यू चिल्ड्रंस। धन्यवाद बच्चों। हैव ए नाइस डे।